मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र। मिशन रोजगार के तहत यहां पर 431 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। चयनित वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को मुख्यमंत्री ने यहां पर बधाई भी दी है। लखनऊ में लोक भवन में आयोजित हुआ था कार्यक्रम, तो लखनऊ में लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मिशन रोजगार के तहत 431 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आप सबके चयन के लिए आप सभी नवचयनित कृषि प्राविधिक सहायकों को और आपके सभी के परिवारजनों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। अभी कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मैंने वितरित किया और मैं देख रहा था कि उनके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ एक अच्छा अनुभव भी है, लेकिन उस प्रतिभा और उस अनुभव का लाभ राज्य के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के जिन पदों का याचन भेजा था, यहां से लोक सेवा आयोग के लिए भेजा था, उनमें से 50% जिन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन की प्रक्रिया होनी थी, जो शेष पद हैं वह विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 50% जिन पदों के चयन की प्रक्रिया संपन्न होनी थी उनमें 431 को आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, जो पोटेंशियल उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसमें हम लोग आगामी कुछ वर्षों के अंदर थोड़ा भी प्रयास कर लेंगे, बेहतरीन तकनीक को अपना करके, प्रमाणिक बीजों को उपलब्ध करवा करके, प्रगतिशील किसानों का सहयोग लेकर के अगर हम प्रयास करेंगे तो इस क्षमता को हम 3 गुना बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अकेले खाद्यान्न उत्पादन में देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है। उन संभावनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि विकास दर को लगातार डबल डिजिट में ले जाने की तैयारी करना, इसके लिए राज्य शासन ने भारत सरकार के साथ मिलकर के विगत कुछ वर्षों में प्रयास किए हैं। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद इस दिशा में ढेर सारे प्रयास किए और पहली बार लगा कि अन्नदाता किसान भी किसी शासकीय एजेंडे का हिस्सा है, चाहे वह सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था को उपलब्ध करवाने का कार्य रहा हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, और दुनिया की किसानों के वेलफेयर के लिए सबसे बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2,54,00,000 से अधिक किसान इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। किसान अक्सर इस बारे में चर्चा करते थे कि बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं, 2017 के पहले तो बिजली ही नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद जब बिजली देनी प्रारंभ भी हुई, जब उसमें शिकायत हुई, तो विगत वर्ष सरकार ने भी निर्णय लिया, हम लोगों ने बिजली के खासतौर पर निजी जो किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लिए थे उसमें सरकार ने कुछ सब्सिडी दी, और अब हम लोग सोलर पंप लगा करके, सोलर पैनल दे करके किसान को मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने की उस व्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं, और अन्नदाता किसान चाहेंगे तो इसके माध्यम से भी वह अपनी इनकम को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब राज्य शासन ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत
नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है, पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ हमारा अन्नदाता किसान भी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ले सकता है और 30,000 किसानों को इस बार सोलर पैनल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के साथ डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है।